अच्छा, तो मैम रहेंगी स्क्रीन पे पीछे, मैम हमारी हैं। तो हम लोगों ने लाइव शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आज हम लोग लाइव करने जा रहे हैं। हमारे साथ अन्नपूर्णा सिंह हैं, जो कि यूपीएससी, इन्होंने रिजल्ट अच्छा लाया है। आज यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है और उसमें कई लोगों ने टॉप किया है, कई लोगों ने अच्छा स्थान हासिल किया है, जिसमें अन्नपूर्णा सिंह भी हैं। इन्होंने भी अच्छा रैंक हासिल किया है। इन्हीं से इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अन्नपूर्णा जी, बताइए आपकी सफर कितनी कठिन रही, क्योंकि सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है ये। किस तरीके से आपने तैयारी की, आपने सफलता हासिल की है? आप एक इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए। थैंक यू मैम। मैम, मेरी यूपीएससी में इस बार 99th रैंक आई है, और कठिनाई के लिए डेफिनेटली मैम ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है कंट्री का। बट इसमें अगर राइट गाइडेंस हो और राइट सपोर्ट हो तो सबसे देन पहले न्यूज आपके। 18 थैंक आपको बहुत सारी बधाइयां देता है आपको इस सफलता के यू लिए। सो मच, थैंक यू सो मच। सो एज आई वाज सेइंग कि विद राइट गाइडेंस एंड राइट सपोर्ट आप कर सकते हैं इसको क्लियर आराम से। एंड मेरे पेरेंट्स एंड मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, एंड आई थिंक दे आर द मेन थिंग एंड द मेन रीजन जिसके वजह से क्लियर हो पाया। सो ये मेरी बात आपको अगर कितना कितना अटेम्प्ट था ये आपका? मैम, ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट और सेकेंड इंटरव्यू था। मैंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट टू द लिस्ट। बट इस बार मैम, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम एट द 99th। और इससे आपने इससे पहले बीपीएससी भी एग्जाम क्लियर किया है? जी मैम, मैंने 66 बीपीएससी क्लियर किया था। अच्छा, तो क्या आपने शुरू से ही यही सोचा था कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम ही देना है या फिर कुछ और भी प्रोफेशंस आपको पसंद? मैम, मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी इंटेल में इन बैंगलोर एज अ सेमीकंडक्टर इंजीनियर। बट इन द बैक ऑफ माय माइंड ऑब्वियसली आई वांटेड टू अपियर एग्जाम के लिए, और मेरी फैमिली का भी बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मुझे था कि मुझे सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है, और मैंने कोशिश की थी इसके लिए। तो मैम, बचपन से तो था एक दिमाग में दैट मुझे देनी है ये परीक्षा, एंड जॉब के साथ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। अच्छा, तो जॉब के साथ आपने पढ़ाई की, तो कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि जॉब में भी आपने ऑब्वियसली 8-9 घंटे आपने दिए होंगे, उसके बाद फिर आपने पढ़ाई को भी दी होगी सब। बिल्कुल मैम, इंटेल में काम करती थी मैं, तो उसमें काफी चैलेंजिंग और वो काफी डिफरेंट प्रोफाइल भी था। एज ए सेमीकंडक्टर इंजीनियर उसमें कोडिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, तो साथ में बैलेंस करना, टाइम को प्रायोरिटाइज करके मैनेज करना, ये सब तो चैलेंजेस होते हैं। बट अगर आप इन्हें बैलेंस कर पाए, रूटीन एक को फॉलो कर पाए, इसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है आई थिंक। तो मैंने 3 साल जॉब की एंड उसके बाद फिर फाइनली आई रिजाइंड एंड देन। तो आपके अभी स्क्रीन पे मुझे आपके फादर दिख रहे हैं और आपकी माता जी भी दिख रही हैं, तो आप लोगों ने किस तरीके से इनको सपोर्ट किया? क्योंकि ये फिफ्थ अटेम्प्ट है और सब्र करना, आजकल के टाइम में लोगों के पास लोग सब्र नहीं कर पाते हैं, इंतजार नहीं कर पाते हैं, और ये फिफ्थ अटेम्प्ट आप बता रही हैं, तो काफी लंबा समय। आप लोगों ने किस तरीके से सपोर्ट किया सर? अन्नपूर्णा जो इंटेल में काम कर रही थी, और चूंकि वो एक हायर सुपीरियर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी, 5G टेक्नोलॉजी और AI चिप्स पे काम कर रही थी, और इसकी टीम के जो दूसरे मेम्बरान थे वो दूसरे देशों से थे, तो उस टीम में काम करने से इसे काफी टाइम देना पड़ता था। तो शुरुआती दौर में जो इन्होंने दिया, प्रिलिम्स दिया, फिर प्रिलिम्स एक बार नहीं हुआ, फिर प्रिलिम्स क्लियर किया, फिर मेंस दिया, फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो ये काफी टफ पीरियड था उसके लिए भी और परिवार के लिए भी। लेकिन हम लोगों को जिस ढंग से इसकी उत्कंठा थी, आकांक्षा थी और मेहनत थी, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप पूरी तरह समर्पित होके और सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए। और लास्ट 2 अटेम्प्ट्स जो आपने देखा कि लास्ट ईयर भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था और इस साल भी इन्होंने इंटरव्यू दिया और बेहतर प्रदर्शन किया और 99th रैंक इन्होंने हासिल किया, तो यह बड़ा महत्वपूर्ण था इनके लिए पीरियड, इन्होंने अच्छे से इसका निर्वहन किया। अच्छा, तो अन्नपूर्णा जी देखिए, इन दिनों मैं आप इसको पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं ले जाना चाहूंगी, इसको ऐसे मत समझना, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले पीएम के इकोनॉमिस्ट एडवाइजर ने, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि यूपीएससी में आधा से ज्यादा बच्चे जो है वो समय बर्बाद कर रहे हैं, और अगर यही बच्चे कुछ और करें तो काफी अच्छा कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मैं आपके आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने इसमें सफलता हासिल की है।
कंटेक्स्ट में दिया गया था सर ने, ये इंडिविजुअली इस स्टेटमेंट को नहीं दिया था, इसका एक बैकग्राउंड था. एज फार एज मेरी राय जानी चाहेंगे इसमें, तो मैम मुझे नहीं लगता है कि ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है. पहला चीज तो मैम दैट मैं तैयारी कर रही थी, बट साथ में मैंने एक अपना प्लान भी रखा हुआ था. एवरीथिंग आप एक एग्जाम पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि कितना ज्यादा कंपेटिटिव ये एग्जाम. एंड दूसरी चीज मैम कि अक्रॉस द प्रिपरेशन जो ग्रोथ होती है हमारी एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, और जितना कुछ हम सीखते हैं, ना कि जिस देश के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब जरूर काम ही आता है. एंड आई थिंक मैम जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी और तब से लेके अभी तक जब फाइनली मुझे मुकाम मिल गया है, मैं काफी अलग पर्सनालिटी बन के आई हूँ, और इसका पूरा श्रेय मेरी प्रिपरेशन को ही जाता है. तो वेस्ट ऑफ टाइम तो मैम बिल्कुल ही. ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने टाइम मैनेज किया, कितने घंटे आपने पढ़ाई की? मैम आई थिंक टाइम मैनेजमेंट करना ही इसमें सबसे बड़ी कड़ी है, जो कि मैं इनिशियल अटेम्प्ट्स में मेरी गलती रह गई थी. तो अगर आप एक फिक्स टाइम फिक्स करते हैं कि इतना इतने घंटे पढ़ना है, तो वो ऐसा हो सकता है कि साल भर वो फॉलो ना हो. तो उसके लिए आपको अडेप्टेबल भी और फ्लेक्सीबल भी होना पड़ेगा, कि कभी अगर आपके कोई और काम आ जाते हैं, आपको परिवार के साथ समय देना होता है, वो सब मैनेज करके, लेकिन अपनी पढ़ाई एक डिसिप्लिन तरीके से मिनिमम आर 7 से 8 घंटे, कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं. तो अगर आप साल भर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एवरी डे करें, मिनिमम कुछ घंटे जरूर दें, तो अगर आप उस डिसिप्लिन में रहेंगे तो मैम आई थिंक इट इज डेफिनेटली पॉसिबल. लेकिन कोई फिक्स घंटे की इतने घंटे पढ़ने से ही एग्जाम निकलेगा मुझे नहीं लगता है मैम कि ये ऐसा है. अच्छा, आज के समय में सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रुकावट भी है लोगों के लिए पढ़ाई को देख करके कहें तो, और कुछ लोग इससे नाम भी कमा रहे हैं, लेकिन पढ़ने के पर्पस से अगर देखें तो सोशल मीडिया कितना बड़ा आपको लगता है कि ये बाधा बनता है? मैम इसके दोनों पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और मुझे लगता है ज्यादातर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसे यूज कर रहे हैं. मैं कंप्लीटली सोशल मीडिया से बाहर नहीं थी, बट हाँ जब मेरे एग्जाम्स पास आ रहे होते थे तो मैं खुद को अलग कर लिया करती थी उससे. इस वजह से नहीं कि कोई डिस्ट्रैक्शन है और मैं खुद पे काबू नहीं कर सकती हूँ. इतना सेल्फ कंट्रोल एक स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट को होना चाहिए, अगर आप एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने का, जिसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाद में आएंगी. बट अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो जायज है कि आप सोशल मीडिया को कम समय देंगे, अपनी पढ़ाई को ज्यादा समय देंगे. एंड उस केस में मैम हेल्प बहुत ज्यादा होती है अगर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे बहुत सारा पढ़ाई का भी कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है. इनफैक्ट यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत सारा कंटेंट मिला था. एंड मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग कहीं नहीं ली, लेकिन मुझे यूट्यूब वगैरह से बहुत सहायता मिली पढ़ने. तो आई थिंक मैम इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, और अगर इंसान उसको अच्छी तरह से यूज कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है सोशल मीडिया एक बात है. तो आप बेसिकली आपने YouTube से ज्यादा बहुत सारी गाइडेंस ली है, और वहां से मतलब जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो आपने वहां से कलेक्ट किए हैं, तो आप स्टडी कोचिंग? मैम मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली है ज्योग्राफी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आ रही हूँ, तो मैंने ज्योग्राफी की कोचिंग ली थी, ऑनलाइन कोचिंग थी कोविड के टाइम पे. बट मेरी जीएस की तैयारी मैंने टेलीग्राम पे जो भी मटेरियल्स अवेलेबल रहता है, बहुत सारे टॉपर्स हैं जो अपने नोट शेयर कर देते हैं, उससे भी बहुत मदद मिलती है, और यूट्यूब जैसा आपने बताया. और आप बिहार की रहने वाली हैं क्या, मैं सही हूँ? जी. तो बिहार में तो जनरली ऐसा होता है कि इतना ज्यादा अटेम्प्ट हो रहा हो तो घर वाले कहते हैं अरे छोड़ो क्या करना, आगे कुछ और देख लो. तो कभी अंकल जी आपने कभी ऐसा नहीं कहा अपनी बेटी को कि कुछ और ऑप्शन ट्राई कर लो? नहीं, बिल्कुल नहीं. और इंजीनियरिंग कर रही थी, ऑलरेडी अच्छा प्रोफेशन भी है. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने तो देखा जब इनकी का लग्न देखा और इनकी उसके प्रति एक पैशन देखा सिविल सर्विसेज के प्रति, और मुझे लगा कि नहीं, इसे जितना चाहिए सपोर्ट फैमिली से उतना सपोर्ट उसे दिया जाएगा. और इसने काफी अच्छा मतलब मेहनत किया और फिर लगातार उसको पाने के लिए एक जो लगन और होता है वो काफी काफी मेहनत की इसने.
और पढ़ाई के दृष्टिकोण से, फिर व्यक्तित्व के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, और क्योंकि जो समय बदल रहा है, देश को एक नए माहौल की जरूरत है, तो उसको देखते हुए भी मैंने कहा कि नहीं बेटा, आप आगे बढ़ो और आप पढ़ो, और जब आपको मुकाम मिले तो आप बेहतर वैसे बेहतर प्रदर्शन करना, और समाज में जो जो जेंडर वर्क है, 50% जेंडर वर्क है, जैसे आप लोग हैं, तो दुनिया को एक, विशेषकर भारत को एक नए मुकाम की तरफ ले जाने के लिए भी हर एक व्यक्ति का और समाज को आगे बढ़ाने का, महिलाओं का विशेष योगदान है, इसलिए आप उस दृष्टिकोण से मैंने इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत अच्छी इनफैक्ट सोच है आपकी। मैं ऐड भी करना चाहूंगी कि मेरे कुछ दोस्त जिनके साथ मैं तैयारी भी कर रही थी, एक पॉइंट के बाद कहने लगे थे कि अब अगर अन्नपूर्णा की मदर भी एग्जाम लिखेंगी तो वो भी निकाल लेगी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ ही बैठ के रिवाइज वगैरह भी करती थी, मेरे नोट्स कहाँ है, कैसे प्रिपेयर्ड है, ये सब मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी को पता रहता। तो मैम हाँ सपोर्ट तो मेरे दोनों पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा मिला है, एंड आई थिंक उसका रिजल्ट है कि रैंक मिल पाई। बड़ी शांति से योगदान रहा है। आई एम सॉरी मैम, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो मैं ये कह रही थी कि माता जी बड़ी शांति से पीछे सुन रही हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी आपने किस तरीके से योगदान दिया है। रही है। ऑब्वियसली मैडम सपोर्ट तो रहा ही है बच्चे के लिए, लेकिन मेहनत थी इसका इस मुकाम पर पहुंचाई है, इतना तो हम बोलना चाहेंगे। बहुत हार्ड वर्क की है इसने पढ़ाई करने में, और इसलिए ही इसने अभी यहाँ पे बिल्कुल, एक बच्चे की कितनी मेहनत होती है माँ बाप से ज्यादा तो कोई नहीं जानता, खासतौर पर माए घर पे वही देखती है कि मेरी बच्ची क्या कर रही है, कितना मेहनत कर रही है। और जब एक लड़की सफल होती है उसके पीछे जाहिर तौर पर उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है, और मैं देख भी पा रही हूँ। आज तो आपके घर में बहुत खुशी होगी, मिठाइयाँ खाई कि नहीं आप लोगों ने? खाली है मैम, खाली है। हाँ अच्छा, आज तो खूब सारे कॉल्स आ रहे होंगे रिश्तेदारों के, कॉल आ ही रहे हैं मैम अभी भी। तो ये लगा ही होगा आपने, जब बीपीएससी एग्जाम्स भी निकाले हैं तो सबको पता ही होगा कि लड़की हमारी होनहार है। जी मैम चलिए ठीक है, अन्नपूर्णा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, और अंकल आंटी आप लोगों से भी विदा लेना चाहूंगी, और इस लाइव में फिलहाल के लिए इतना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।